मध्य प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाएगा, इसे लेकर सरकार जल्द ही विधेयक ला रही है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी कॉलोनियों को वैध करने की बात कही थी। इसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की ओर से इस विधेयक पर स्टे हो गया था। अब दोबारा से प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का विधेयक लाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में रैलियों पर भी हुए पथराव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस का चरित्र हिंसा और सांप्रदायिकता का है। हमेशा से कांग्रेस सांप्रदायिकता के आधार पर ही चुनाव जीतने की कोशिश करती आई है। दरअसल कैबिनेट मंत्री यहां महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। देखिए, ये बात सही है कि प्रदेश में अनेक अवैध कॉलोनियां है, लगभग सभी बड़े शहरों में स्थिति है, और इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ये निर्णय लिया था कि हम सभी कॉलोनियों को वैध करेंगे। परंतु बीच में कांग्रेस सरकार के समय ग्वालियर हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर स्टे किया था। हम लोग उसको अब विधेयक लेकर आ रहे हैं, कानून बना रहे हैं और सभी कॉलोनियों को वैध करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय, सरकार ने निर्णय किया।